हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई सुबह के बज रहे हैं 9:30। थोड़ी देर पहले अपन सोकर उठे हुए हैं भाई लोग, और इतना ज़्यादा थक गए थे। दर्शन करने गए थे हम लोग, मगर थके बहुत ज़्यादा थे तो ब्लॉग नहीं शूट किया था। फिलहाल आज का प्लान है ओंकारेश्वर जाने का, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर उज्जैन, फिर महाकाल के दर्शन करेंगे। तो अभी सब लोग तैयार हो चुके हैं, अभी फटाफट से निकलते, कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद तुम ही बना लो ना, फ़ोन ले लो। तुम एक काम करो, इनको जानू बाइक दे दे रहा, फ़ोन वही बना ले रहे, ठीक है? पकड़ चुप। तो भाई चलो अभी निकलते फटाफट, ये सब तफरी बाजी चलती रहेगी, हम बना नहीं पाएंगे। चौथी बार शूट करने की ट्राई कर रहा है, कोई गाली दे दे रहा है, कुछ हो जा रहा है पीछे से। तो भाई चलो चलते हैं, तैयार यार हो क्या? भाई निकल चुके हैं हम लोग, अब जा रहे हैं ओंकारेश्वर, और कार आ चुकी है अपनी, फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं ओंकारेश्वर। यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है, थोड़ा पहाड़ वहाड़ है, बढ़िया सीन है, चलो चलते हैं। भाई बैठ चुके हम लोग, ये देखिए कैसे बैठे हुए हम लोग। भाई हमारे आकाश भाई आगे बैठे हुए हैं, ये देखो लाला भाई मजा आ रही है भाई, थोड़ा हेल्दी है तो ताजे हुई थी, हम लोग पतले पतले तो पीछे आ गए ना भाई। तो क्या करें भाई, हम हैं तो हैं, हम पतले हैं तो हैं, अपने दम पे हैं। और क्या भाई, अरे भाई इतना मोटा कुछ नहीं होता भाई, क्या हो गया तुमको भाई? गाली दे रहे यार था अभी, बहुत कट करने पड़ते हैं भाई। भाई ने अच्छे भाई, थैंक यू भाई, तुमने गाली नहीं दी, बच गया मेरा सेकंड भाई। यार फिलहाल अभी हम लोग रुके हुए हैं नाश्ते के लिए, नाश्ता चल रहा है, फाफड़ा पोहा कचौरी बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई करिए। भाई लोग खा रहे हैं, ये देखो भाई लोग खा रहे हैं, समय खाते हैं फिर निकलते हैं अपने रास्ते पे। भैया नाश्ता वास्ता हो चुका है, कैसा लगा जीत भाई? भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया था ना? अबे वो कोई नहीं भाई, तो मारो भाई, नाश्ता बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। गाड़ी में पहुँचवा देता हूँ, चलते हैं। और इंस्टा का पे मैंने फूड का डालूंगा, उसमें जरूर देखिएगा। अच्छा नंदी होटल भाई, दोनों पीछे ओंकारेश्वर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब जा रहे हैं नर्मदा नदी में नहाने, उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। बहुत मस्त बना हुआ है, जो उज्जैन विजिट करे जरूर ओंकारेश्वर जरूर आइएगा, दिखाता हूँ अभी आपको। देख रहे एकदम जानी जगह भाई। हेलो जानू भाई, फ़ोन पर लगे जानू भाई, किससे बतियार हो जानू भाई, किससे बतियार हो? स्नैपचैट सही भाई, लगे रहो। चलो भाई चला जाए, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, चलो चल के घाट पे देखते हैं भीड़ है क्या है। भाई मैं तो नहा धो चुका हूँ एकदम मस्त नर्मदा नदी में, मज़ा आ गया। भाई लोग अभी भी नहा रहे हैं और तैयार भी हो चुके हैं, अब चलते हैं और सामान लेते हैं पूजा का, उसके बाद चलते हैं ओंकारेश्वर बाबा की दर्शन करने। चलो चलते हैं भाई लोग, आराम से थोड़ी देर ना ले, फिर हम लोग निकलते हैं फटाक से 5-10 मिनट में। भाई साहब ले तो लिया है हमने, ये सब ज़्यादा भाई भीड़ है भाई, भीड़ देख रहे हैं आप लोग, और भी इसके आगे लगी हुई है, कम से कम 3-3.5 घंटा लग जाएगा इसमें तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई भीड़ देखिए, अभी तक हम लोग यहाँ पहुँचे भी काफ़ी देर है। भैया दर्शन हो गए हम लोगों के, ऐसे रहे भाई दर्शन? भाई दर्शन बहुत बढ़िया रहे, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भाई हालत खराब हो गई, पर बाबा ने जैसा बोला वैसे बोला। 3 घंटा लगे होगा भाई? 4 घंटा लगा पहली बार। चलो चलते हैं खाना खाने के लिए, बहुत तेज लग रही है। हाँ भैया ये हमारे बहुत प्यारे भैया, कैसे चलाते धीरे चलाते भैया, एक नंबर, जिसको आना भैया बता देना, भैया नंबर दे देंगे, दे देंगे, डाल देंगे आप। उज्जैन आइए, उज्जैन आइए भैया से मिलेगा, सारी सर्विसेज। हाँ सारी सर्विसेज। चलो भाई चलते खाना खाने, भैया खाना आ चुका है अपना, खाना निपटाते हैं। चलो भाई थक गए, थकान हो रही भाई सबको, क्यों भाई? बहुत ज़्यादा है ना भाई, आना जरूर एक बार, सब लोग आइएगा जरूर, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग खाना खाते हैं। भाई खाना ना खा लिया हम लोगों ने, जानू भाई खाना कैसा लगा आपको? भाई एक नंबर खाना है यार, है ना? बहुत बेहतरीन खाना था यार, मज़ा आ गया। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं उज्जैन। कितना लग जाएगा टाइम भाई कम से कम? भाई हमें लग जाएगा, अभी अपडेट मिला है कि जाम लगा हुआ है पहाड़ों पे, 3.5-4 घंटे लग सकते हैं, 2 बज सकते हैं भाई, 2-3 के महाकाली कृपा ने ऐसा बताया आपको। चलते भाई, लाला भाई आगे बैठेगा, इतने 3 लोग काफी है भाई। सीएनजी भी डल गई अपनी गाड़ी में, चला जाए फिर से। 12 बज गए, अब हम लोग पहुँचे उज्जैन,
और अब जाते हैं रेस्ट करते हैं थोड़ा सा और इसके बाद वाले ब्लॉग को आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जाते हैं रेस्ट करते हैं, पेमेंट वेमेंट कर दें फिर उसके बाद।